Welcome to Hungry Spoon. Subscribe to our channel for new recipes and click the bell icon for notification and don't miss a single update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू हंग्री स्पून चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे और खुश होंगे। गर्मी के मौसम में हम लोग कई तरह की रेसिपी बनाते हैं जिससे हमारे शरीर को फ़ायदा पहुँचाए और बाहरी जो गर्मी है हमारे शरीर को नुकसान ना दे। उसमें कई तरह के शरबत होते हैं, कई तरह के ऐसी रेसिपी जो हमारे शरीर को ठंडक देता है। उन्हीं में से एक गोंद कतीरा है जो कि हम उसकी तासीर काफ़ी ठंडी होती है और हमारे शरीर को ठंडक तो देता है, साथ में विटामिन से भरपूर जो कि हमारे शरीर को कई तरह के फायदे पहुंचाता है, कई तरह की बीमारियों से ये हमें बचाता है। इस गर्मी में हम अपने शरीर को गर्मी से बचा सकते हैं। तो आइए, गोंद कतीरा क्या है और इसका इस्तेमाल किस तरह से हमें अपने शरीर को पहुंचाने के लिए करना है, आइए देख लेते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी न्यू अपडेट्स मिलती रहे। ये हमारा गोंद कतीरा है। गोंद कतीरा कुछ इस तरह से देखने में होता है और गोंद जिस तरह से आते हैं उसी तरह से ये गोंद कतीरा होता है, लेकिन इसमें इसकी तासीर काफ़ी ठंडी होती है। आप किसी भी किराने के स्टोर पे या फिर जनरल स्टोर पे या फिर आप ऑनलाइन भी इसको मंगवा सकते हैं। और ये गोंद कतीरा खास तौर पे गर्मियों में इस्तेमाल होता है। तो गोंद कतीरे को इस्तेमाल करने से पहले हमें 2 से 3 पानी में अच्छे से धुल लेना है और इसकी क्वांटिटी हमें बहुत ही कम भिगानी है क्योंकि ये जस्ट दुगना हो जाता है। तो 1 चम्मच अगर आप लेंगे तो 1 बाउल आपका फूल करके हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 1 चम्मच गोंद कतीरा ले रहे हैं और इसको लेने के बाद हमें 2 से 3 पानी में हमें धुल लेना है ताकि जो इसमें डस्ट है, गंदगी है, वो निकल जाए। हमने इसको 2 पानी से धुल लिया है। अब इसका हमें 2 ग्लास हमें पानी डाल करके इसमें रख देना है। 4 से 5 घंटे के लिए हमें इसे रखना है। हो सके आप इसे ओवरनाइट इसको भिंगा कर रख दें और फ्रिज में रखें ताकि ये खराब ना हो। अगर आप रात भर के लिए छोड़ रहे हैं तो 1 से 2 घंटे के बाद आप फ्रिज में उठा के रख दें तो सुबह मॉर्निंग में गोंद कतीरा अच्छे से भींग करके डबल हो जाएगा। और अगर आप बाहर रख रहे हैं तो 4 से 5 घंटे आप बाहर रख के फिर आप फ्रिज में इसको रख दें और जब चाहें अपनी जरूरत के हिसाब से आप इसको इस्तेमाल करें। तो आइए हम 4 से 5 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे भीगने के लिए। 4 से 5 घंटे के बाद हम आपको गोंद कतीरा किस तरह से ये डबल हो जाता है मैं आपको दिखाती हूँ। गोंद कतीरा हमारा 5 से 6 घंटे में काफ़ी अच्छे से फूल गया है। देखिए, हमने 1 चम्मच डाला था और 1 बड़ा बाउल बनकर तैयार हो गया है। इसको भिगाने के आधे या 1 घंटे के बाद आप इसको फ्रिज में रख दें ताकि ये ठंडा भी रहे और साथ में ये ख़राब भी नहीं होगा। 5 से 6 दिन आप अपने इस्तेमाल करने की क्वांटिटी के हिसाब से आप इसको भिंगाएं और 5 से 6 दिन आराम से आप इसको फ्रिज में रखकर 2 चम्मच आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने का तरीके में आप अपनी पसंद के अनुसार जिस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है आप कर सकते हैं। ये टेस्टलेस होता है, ये कोई भी मिठास या स्वाद उतना नहीं होता है। तो इसको खाने के लिए आप इसको कई तरह के ड्रिंक बना सकते हैं। आप नींबू का शरबत बना रहे हैं उसमें भी 2 चम्मच डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर रूह अफ़ज़ा मिल्क में भी ले सकते हैं या फिर आप ऐसे ही कटोरी में आप इसको 2 चम्मच डाल करके इसमें रूह अफ़ज़ा डाल लें या फिर शहद डाल लें और दही के साथ भी आप इसको ले सकते हैं, खा सकते हैं। गोंद कतीरे को आप वेट लूज़ करने के लिए अगर आप खा रहे हैं और या फिर आप विंटर में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो ख़ास तौर पे विंटर में और वेट लूज़ करने में ध्यान रखेंगे। जब भी आप इसमें दूध का इस्तेमाल अगर कर रहे हैं गोंद कतीरे को खाने के लिए तो दूध हल्का गुनगुना होना चाहिए या फिर आप पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पानी गर्म होना चाहिए हल्का, तब आप का वेट लूज में फ़ायदा होगा। अगर आप विंटर में भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी तासीर काफ़ी ठंडी होती है गोंद कतीरे की, तो विंटर में ख़ासतौर पे अगर आप इसको इस्तेमाल करें तो गुनगुने दूध या गुनगुने पानी के साथ इसका इस्तेमाल करें या फिर आप गरम ओट्स या सूप बना रहे हैं उसमें शामिल कर लें या फिर कोई भी सैलेड बना रहे हैं उसमें भी डाल करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गोंद कतीरा काफ़ी फ़ायदेमंद है, काफ़ी हाई प्रोटीन और इसमें काफ़ी हाई फाइबर होता है और कई तरह के फोलिक एसिड विटामिन से ये भरपूर गोंद कतीरा होता है जो कि हमारे बाहर के हीट स्ट्रोक से हमको बचाता है, लू से बचाता है और साथ में काफ़ी देर तक हमारे पेट में
फाइबर होने की वजह से काफ़ी लंबे वक्त तक हमको भूख नहीं लगती है, जिससे हमें वेट लूज करने में आसानी होती है और साथ में कई तरह की बीमारियों से, खास तौर पे पेट से संबंधित बीमारियां जैसे कब्ज, कब्ज में काफ़ी फायदेमंद होता है। 2 से 3 दिन अगर आप लेंगे तो इसका फ़ायदा आपको, अगर कब्ज की प्रॉब्लम है तो आपको दिखने लगेगा। तो गोंद कतीरा इस गर्मी में आप ज़रूर इस्तेमाल करें और अपने पसंद के अनुसार जिस तरह से आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसकी क्वांटिटी 2 से 4 चम्मच भी आप ले सकते हैं। तो गोंद कतीरे की रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और हंगरी स्पून को चैनल को इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। और हमारे चैनल पे आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार और दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, अपना अपने परिवार का ख्याल रखें और साथ में मेरी प्यारी प्यारी बेटियों का बहुत बहुत ख्याल रखें, उन्हें बहुत बहुत प्यार दें। थैंक यू। You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hit me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say? Thanks for watching. Stay tuned with Hungry Spoon. The way it's supposed to be, and you know.